लफ्जों की हेरा फेरी का नाम नहीं है, तकरार का नाम नहीं है दुआ, वह दर्द का नाम है, एहसास का नाम है, एहसास जुर्म का नाम है, मांगी नहीं जाती, निकल जाती है। लहू में सुगंधों के बाईस फर्केशन में मंजूर होती है। मैं दाता दरबार से रोजाना मंगाता हूँ, होता तो पत्नी किससे है सर, लेकिन कितने लोग आके कहते बाबा मेरा काम हो गया और मैं दुआ मंगाने लगा हूँ। एक सेकंड लगाऊंगा, एक सेकंड से ज्यादा दुआ कभी नहीं मैंने मंगाई। मांगने का तरीका मैं बता देता हूँ, तो तरीका ये है कि इस वक्त सारे दुनियावी ख्याल दिल से निकाल दे और तसव्वुर बांधे कि अल्लाह के रूबरू पेश है, अल्लाह आपकी दुआ सुन रहा है। मांगनी हर किसी ने अपनी अपनी है, जो मर्जी है मांगो, जिसकी दुआ मंजूर हो गई बाद अभी निशानी आएगी। सिख को भी हुई आती है, हिंदू को भी हुई आती है, मुसलमान को भी हुई आती है, फितरतन इंसान एक है। अभी मुरादा करके दिखा रहा हूँ, रब्बी जलील को पुकार रहा हूँ कि तेरी ये मखलूक है, तेरी बारगाह में पेश हो रही है। मांगनी आंखें आपसे बंद करेंगे सिर्फ तीन सेकंड के लिए, तो उनको क्लियर करेंगे, जो मर्जी है दुआ मांगे। आप हैरान होंगे कि अभी दुआ जाहिर होने की निशानी वाजिया आएगी। ये मेरा गारंटी नहीं कि किसी को और ना असर हो, लेकिन मैं अपनी कोशिश करता हूँ हमेशा कामयाब ना हूँ। आप आंखें बंद करके सिर्फ तीन सेकंड के लिए अपने जेन को खाली करके रब्बुल इज्जत के रूप में पेश होकर अपने दुआ मांगे, अपने आप की दुआ मांगे, अपने अपने दिल की गहराइयों से मांगे, इंशाल्लाह दुआ मंजूरी की निशानी आएगी, दुआ मंजूरी की निशानी आएगी। अल्लाह 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 आंखें खोलने बाबा, दुआ की निशानी, आंखों में नमी आ गई होगी, जिसम पे कप कपी तारी होगी, जमीन लड़क रही होगी, जिसमें ये कैफियत नहीं आ रही है, फिर कोशिश करे, इससे ज्यादा टाइम नहीं गुजरा, दुआ मांगी नहीं जाती है, लम्हों में निकल के पार हो जाती है। आप एक बार फिर कोशिश करें बाबा, दिल की गहराइयों से आंखें बंद करके बोलो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, खोल दे आंखें बाबा। दुआ लफ्जों का नाम नहीं है, जज्बे का नाम है, दर्द का जज्बा उभर आए तो दुआ। तीसरी रात भी कोशिश कर रहा हूँ, रेडिएट करने लगा, आगे बंद करके फिर कोशिश करें बाबा। अल्लाह 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 बाबा, अल्लाह अल्लाह बाबा, आगे कौन ले बाबा। अब मैं आवाज के जरिए करने लगा रेडिएट, कैसे फकीर की जबान से होती है, मैं बताने लगा हूँ। जब मैं अल्लाह का हूँ तो महसूस करना कि तुम्हारे जिस्मों को क्या हुआ है। दूसरों के लिए एक सेकंड मुझे दे दें, उसके बाद जितनी मर्जी गप लगाने के लिए बड़ा टाइम है। ये बोलते अल्लाह की नंगी तलवार होते ही कारी का आ गया है, और ये तरह फायदा थोड़ा करते हैं, नुकसान ज्यादा कर जाते हैं। अगर किसी को शक हो तो NNI वाले बैठे हैं इसी फंक्शन में, इसी साल मैरियट पे। मैंने ही कहा था कि जरदारी अंदर नहीं आ सकता, जरदारी अंदर नहीं आ सकता बाबा, हम नंगी तलवार होते हैं, राहत लाइन पे खड़े हैं, देने के देने न पड़ जाए। अगर किसी को शक हो तो निकाल के जाऊंगा। हम तख्त भी देते हैं, ताज भी देते हैं, जिल्लतों से निवाज भी देते हैं, इज्जतों से भी निवाज देते हैं, चुगली कहते हैं, जिल्लतों का पहाड़ बने खड़े होते हैं। मुंह मुंह हमारा दर्द होता है, कभी सुख का चैन ही नहीं हम लिया, एक सांस भी नहीं है जो अपनी रात के लिए वक्त होगा, हर सांस उसके लिए और उसकी बकरूफ के लिए वक्त हो गया। तो बाबा आया, सारी प्रेस को पता है, मैंने उसको अंदर दाखिल नहीं होने दिया कि तुम नहीं आ सकते। जब बहुत प्रेशर बढ़ा तो मैंने कहा इसको ले जाओ, इसकी मुझे नीचे कर दूंगा, शर्मिंदा कर दूंगा, अपने जमाने ने ये देखा शर्मिंदा होंगे लोग। और प्रेस को मैं कह के गया था, चार महीने के तीन महीने बाद शर्मिंदा हो गई। फिर मैंने कहा एक एक फ्लैट में मैं गयों, फेडरल लॉज में गयों, खर्च लेके खुर्शीद शाह, नवीद कमर, मंजूर वसां, फजलुर रहमान, ब्रिगेडियर अस्कर का तक तय किया था 11 सितंबर को कि तुम्हारी काकी का मेका पोता जाए, बचा सकते हो तो बचा लो। और फिर जमाने ने देखा काकी का मेका पोता,
इसी दिन कल मेला हो रहा है, मेले पे मैंने कहा जा सरदारों की सरदारियां की या एक मुल्क में दो वजीर आजम नहीं पसंद करेंगे, या अतीक रहेगा या कयूम रहेगा, पत्नी उनमें से कोई रहा कि न रहा। और ये इतना मेरा फिक्रा मशहूर है पर आजाद कश्मीर में सरदारों की सरदारियां गई, सरदारों की सरदारियां गई।